स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल प्रताप में। देखिए, आज से हम लोग क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो फर्स्ट लीगल चैप्टर है आपके फिजिक्स का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जानने मिलेंगी। और हाँ, ये चैप्टर आपका CBSE के साथ साथ JEE और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, वहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में है क्या इस चैप्टर के अंदर। चलिए देखिए ज़रा, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि सन से कोई भी रे जो लाइट है वो अर्थ तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड्स लेती है, ठीक है। ये जो मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, आपको एक माहौल बना रहा हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें। सो अर्थ तक सन से लाइट आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं, दैट इज 499 सेकेंड्स, ठीक। अच्छा, लाइट की स्पीड क्या है आपको भी पता होगा, वैक्यूम के अंदर दैट इज 3 लाख किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड है। ओके, सो इसको अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, देखो इस डेटा जो मैंने दिया उसकी वजह से आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें दौड़ेगी। उसके पहले भी आप ये जान लीजिए कि रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर नियरली, ठीक है। और अगर मैं इसके सर्कमफेरेंस की बात करूं, यानी अर्थ के सर्कमफेरेंस की बात करूं, तो वो है नियरली 40,000 किलोमीटर, 40,000, वैसे वो 40,075 किलोमीटर है इक्वेटर पे अगर कहूँ, ठीक है। अब ये जो डेटा मैंने आपके सामने रख दिया, इससे आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप एक अनुमान लगा रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, जैसे कि देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड एक बहुत बड़ी स्पीड है, ठीक है। अगर हम इमेजिन करना चाहें भी तो इसको इमेजिन नहीं कर सकते, फिर भी समझना जरा कि ये वो स्पीड है कि अगर मैं अर्थ पे, जहां मैं अभी खड़ा हूं, वहां से अगर मैं लाइट की स्पीड से अर्थ को कवर करूं, यानी सर्कमफेरेंस पे चलूं उसके, तो मुझे एक सेकेंड में 7.5 राउंड लगा लूँगा मैं अर्थ के। समझना जरा ध्यान से, थोड़ा चीज़ों को अपने दिमाग में चलाना। हाँ, मैंने क्या बोला कि अगर मैं इतनी स्पीड से अर्थ के इस जगह से अर्थ का रिवॉल्यूशन करने जाऊँ, यानी सर्कमफेरेंस के अबाउट होते हुए यहीं वापस पहुँचूँ, तो मैं एक सेकेंड में इतनी स्पीड से 7.5 राउंड लगा सकता हूँ, ठीक है। एक और चीज क्या पता चल रहा है आपको कि नियरली 500 सेकेंड्स आपको लाइट को सन से अर्थ तक आने में लग रहा है। अब जरा ऐसे समझो, इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हो, सन की डिस्टेंस पता कर सकते हो। कैसे? कि भाई 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, तो 500 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नियरली 15 करोड़, यानी आपका जो सन है वो अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर है। अब इसको हम लोग थोड़ा और अलग तरीके से लेते हैं कि अगर मैंने ऐसे अर्थ अरेंज करता हुआ मैं पहुंचा, सन तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है, तो नियरली अर्थ का जो डायमीटर है वो मैं मान के चल रहा हूं 12,500 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर, ठीक है। इससे आप समझ सकते हो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो 12,000, ताकि राउंड फिगर आए, हाँ 12,500 किलोमीटर, तो ऐसे दो अर्थ हो जाएंगे कितने, 25,000 किलोमीटर्स, ठीक है। और ऐसे दो अर्थ 25,000, तो ऐसे 8 अर्थ मिलके क्या बनाएंगे, 1 लाख किलोमीटर्स,
1 लाख किलोमीटर, ठीक है। और हमें कहाँ तक पहुँचना है, 15 करोड़ किलोमीटर तक, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सन से अर्थ तक की डिस्टेंस कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो देखो जरा, 8 अर्थ मिलके 1 लाख किलोमीटर बना रहे हैं, तो ऐसे ही 800 अर्थ मिलके, 800 अर्थ मिलके आपके कितने 1 करोड़ किलोमीटर बनाएंगे, ठीक है। सो मुझे चाहिए 15 करोड़, तो इंटू 15 कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 15 यहां भी करो तो ये आ जाएगा कितना, नियरली 12,000 आपके अर्थ। देखिए क्या कंपेयर कर पा रहे हैं आप, यानी जो अर्थ है आपका, ऐसे ही अर्थ आप अरेंज करते चले जाओ सन तक पहुंचने के लिए, यानी इस डिस्टेंस में आपके 12,000, नियरली 12,000 अर्थ लग जाएंगे अर्थ सन तक पहुंचने में, ठीक है। सो मैं एक नए तरीके से अर्थ की, सन की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को बोल रहा हूं, दैट इज 12,000 अर्थ। ये समझना ज़्यादा आसान हुआ आपको, रेदर देन 15 करोड़ किलोमीटर्स, क्योंकि वो हमारे इमेजिनेशन में नहीं है ना। 12,000 अर्थ, तो आपने अर्थ देखा है, ठीक है, अरे समझ लो, तो अर्थ ऐसे अर्थ अरेंज करोगे यानी 12,000 अर्थ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में ये पूरी चीज़ें हमने जो करी हैं वो मेजरमेंट ही तो है जो हमारे चैप्टर से लिंक्ड है। इस मेजरमेंट में हमने देखो क्या चीज़ें देखी, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं, ठीक है, बारिश का होना, लाइट का आना, बिजली का कड़कना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास है जो हम देख पा रहे हैं, और फिर हम लोग यूनिवर्स में निकल जाएँ तो वहाँ पर भी बहुत अनगिनत चीज़ें हैं, फिनोमेना हैं जो होते रहते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए फिज़िक्स बनाई गई भाई, ठीक है। और उस फिज़िक्स में देखिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उस फिनोमेना को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहला है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट होगा आप तभी तो नाप सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो उस चीज़ का, ठीक है। दूसरी चीज़ लॉज, आप नियम बनाएं, ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए नियम बनाएं, दैट इज़ लॉज बनाएं। अब वो लॉज जो हैं वो आपके प्रूफ भी किए जा सकते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकली हो, चाहे वो आपके एक्सपेरिमेंटली हो, ऐसे भी कुछ लॉज हैं फिज़िक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, जो प्रूफ नहीं किए गए पर हैं, लॉज हैं वो, ठीक है, प्रिंसिपल कह लो, प्रिंसिपल थोड़े अलग चीज़ होती है, प्रिंसिपल वो होते हैं जिनको प्रूफ नहीं किया जाता है, ठीक है, वो माना जाता है। ओके, सो मैंने कहा कि फिज़िक्स में इन नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए दो चीज़ें बनाई गई, एक मेजरमेंट और दूसरा, दोनों चीज़ों का इंपॉर्टेंट है लॉज, ठीक है। सो ये सब क्या है, ये मेजरमेंट है। अब आप देखो जरा इस मेजरमेंट में क्या चीज़ें आपने देखी, ये सब कब अनुमान लगा पाए, जब आपको पता है कि सेकंड क्या होता है, टाइम, ठीक है, जब आपको पता है कि मीटर क्या होता है, ठीक है, या किलोमीटर क्या होता है। अब इन दोनों से मिला के आपने एक नई क्वांटिटी बना ली, दैट इज स्पीड। वो देखिए ये जो मैंने बनाया, यहां पे मैंने स्पीड लिखा लाइट की 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको लेंथ भी दिख रही है और टाइम भी दिख रहा है, यानी आपने इस यूनिट से समझ गए भाई कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती, कौन, लाइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का इम्पॉर्टेंस है आपका क्या, दैट इज़ मेजरमेंट। और मेजरमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्या, हमारे पास यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होनी चाहिए। तो आप देखिए ये क्या था, 15 करोड़ किलोमीटर, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये यूनिट ही तो है। ये भी क्या बता रहा है कि ऐसे 12,000 अर्थ मैंने रखे होंगे, यानी ये हमारा यूनिट है, और ये हमारा क्या है, दैट इज, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ रहे बातों को,
ऐसे ही 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर मैं किलोमीटर्स के टर्म्स में बात करूं तो ये हमारा यूनिट है और 15 करोड़ क्या है, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, एक अनुमान लगा पा रहे हैं। हमें पता है एक किलोमीटर कितना होता है, हमें पता है एक मीटर कितना होता है, तो ऐसे 15 करोड़ किलोमीटर या 15 करोड़ इंटू 10^3, 15 करोड़ इंटू 10^3 दैट इज 15 इंटू 10^10 मीटर्स, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। सो यही सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको मैंने बताई हैं जो साइंस से जुड़ी हैं, जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो चैप्टर को खोलते हैं ज़रा। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा ही होगा सभी ने, ठीक है, और एक है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे इंडिया का ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक और ले लेते हैं बुद्धा ऑफ चाइना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकी हाइट क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचा क्या, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी, तो ये हाइट जो मैं बोल रहा ना, ये है क्या, दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक इससे हम अनुमान लगा पा रहे हैं, हम इन लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो समझिए जरा, क्वांटिटी, ठीक है, जब हम साइंस की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अभी बताया आपको मेजरमेंट और लॉज, ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो उनको बोला गया फिजिक्स में जिनको हम मेजर कर सके, जिनको हम नाप सके, ठीक है। और नापना बहुत ज़रूरी है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी जब जैसे जैसे साइंस से प्यार करते जाओगे भाई, तो मेजर कर सकें, प्लस उसमें हम लोग फिजिक्स के लॉज अप्लाई कर सकें, फिजिक्स के लॉज ऑफ फिजिक्स, है ना, ठीक है, एक नियम बना सकें ताकि हम लोग उससे जुड़ी कोई और चीज़ को डिफाइन कर सकें। बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन फिजिकल क्या, दैट इज जिनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब दैट फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्या हो जाएगा, टाइम जानते ही हो आप, इसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ ये भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, मास ये भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये मेजरेबल क्वांटिटी। जैसे मैंने इसमें हाइट पूछा, तो हाइट इनमें से कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज लेंथ, ठीक है। तो लेंथ मैं बताऊंगा, फिर उससे आपको क्या पता चलेगा कि कंपेयर करोगे भाई किसकी लेंथ ज़्यादा है, तो आप बता दोगे भाई इसमें से ये चीज़ हाइट है, ये वाला ऊंचा है। ओके, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अनगिनत हैं, अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब क्या, जैसे दैट मुझे फिजिक्स पढ़ाने में मज़ा आता है, कितना मज़ा आता मैं नहीं काउंट कर सकता, ठीक है। ऐसी मैं बोलूँ कि भाई वो बंदा उस गंदा एग्जाम्पल नहीं, कोई किसी से प्यार करता है तो वो ये थोड़ी ना बता पाएगा भाई कि कितना प्यार करता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 250 ग्राम, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो दुख दर्द हंसी मजाक हैप्पीनेस सौरो, ये सब क्या है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, इनको आप मेजर नहीं कर सकते। तो जो मेजर कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, सो अब देखिए, जब आप मेजर करने जाओगे तो भाई आपके पास एक 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 जैसे मैं कहूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक लाइन है, इसको मेजर करना है, तो आपके पास जो सबसे आसान चीज़ होगी आप उससे कंपेयर करोगे। देखो, जैसे ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, मान लीजिए मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैंने क्या करा, एक यूनिट ली, ठीक है। मान लीजिए ये पेन, इस ये मेरी यूनिट है, तो मैंने पेन रख के देखा, एक, फिर आपका ये दो और ये नियरली ढाई, ठीक है। तो ये आ रहे हैं 2.5 पेन,
ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको देखा, दोनों को एक ही यूनिट से जा रहा हूं, एक फिर ये दो और ये फिर नियरली तीन, है ना। तो मैंने कहा ये थ्री पेन है, ठीक है। अब आप कंपेयर कर पा रहे हो भाई कि किसकी लेंथ ज्यादा है, बात समझ में आ रही है। तो आपने मेजरमेंट जो है ये सब चीजों के लिए काम आता है भाई। अब आप देखो इसमें व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी मैंने बात किया था इसके बारे में, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। और ये क्या है, दैट इज यूनिट, ठीक। सो भाई ये यूनिट, या अब मैं बोलूं कि मेजरमेंट क्या है, तो हम कहेंगे दैट इज अ कंपैरिजन, अ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है। सो हम लोगों को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस डिसाइड करना पड़ा। जैसे यहां पर मेरा स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या था, पेन था, ठीक है। मेरे पास और कोई सुविधा नहीं थी नापने की, तो मैंने पेन से डिसाइड कर लिया भाई कि ये आपका ज्यादा है, ये आपका छोटा है, ठीक है। अच्छा, सो अब यहां पर हम लोग इसी चीज को लेकर आगे बढ़े, ठीक है। अगर मैं आपसे इन सब की बात करूं कि इनमें से किसकी हाइट ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, सर मैं एक बार देख लूंगा उनको, देख कर बता सकता हूं। पर देखिए यार, देख के बताना इतना क्या आसान लग रहा है आपको। एक बार आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जाओगे, फिर उसके बाद आप इंडिया वापस आके स्टैचू ऑफ यूनिटी देखोगे, तो क्या इमेजिनेशन इतनी आसान हो पाएगी? क्योंकि आपने जब ये देखा तो सिर्फ इसको देख रहे थे, और जब इसको देखना है तो सिर्फ यही है। जब दो चीजें एक साथ खड़ी होती ना, तब आप देख के आराम से, थोड़ा आराम से बता सकते कि हाँ भाई ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डेटा दे दूं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसकी हाइट 93 मीटर्स है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नियरली 182 मीटर्स है, एंड बुद्ध ऑफ चाइना जो कि इसके पहले, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पहले था नंबर वन पे, वो 126 मीटर है। अब आप तुरंत अनुमान लगा लोगे भाई कि कौन कौन ज्यादा हाइट वाला है। तो समझ रहे, इसमें ये जो यूनिट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, मेजरमेंट्स में। तो मेजरमेंट मैंने क्या बताया, अ कंपैरिजन, कंपैरिजन किसके साथ, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ। अगर मैं यही ऐसा कर देता कि ये है आपका मान लीजिए 254 फीट, ठीक है, तो आपको मुश्किल होता कि नहीं होता कंपेयर करने में, आपको नहीं पता, ठीक है चलो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आपको नहीं पता ये फीट क्या है और ये मीटर्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फंस रही है भाई कि हम कैसे कंपेयर करें, तो हम लोगों को क्या यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, दैट इज स्टैंडर्ड रेफरेंस की। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा भाई कि मेजरमेंट में हम लोग कंपैरिजन करते विद स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो मैं स्टैंडर्ड रेफरेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड रेफरेंस वो होना चाहिए जो पूरी दुनिया एडॉप्ट कर सके उसको, बात समझ रहे, इजीली अवेलेबल हो, वो वेरी ना करता हो। यानी एक मीटर मैंने ये डिसाइड किया कि एक मीटर इतना है, तो हर जगह उतना ही रहे, ठीक है, और कन्वर्टेबल हो, मतलब दूसरी यूनिट्स में हम लोग उसको आसानी से कन्वर्ट कर सके, ये तो ध्यान रखना है आपको यूनिट्स का। तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या, n इंटू यू। अभी देखा था आपने, मैंने एक लाइन बनाई थी और उसको मेजर किया था पेन से, तो उसमें कितना आया था, दैट इज 3 पेन। तो हमने कहा भाई ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और ये क्या, दैट इज यूनिट, बात समझ रहे। सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है ये, दैट इज उसमें क्या क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या, यूनिट। अच्छा, अब एक बात समझो भाई, तुम उस लाइन को समझ रहे, उस लाइन को चाहे किसी भी यूनिट से नाप लो। मैंने यहां पर पेन माना था, अब हो सकता आपके पास इससे बड़ा पेन हो या उससे छोटा पेन हो, तो आपकी आपके ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट, क्योंकि अलग अलग पेन के साइज लोगे तो यूनिट्स अलग अलग होंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये पेन था मेरा, उससे 3 पेन आया, और जस्ट इसका हाफ होता तो उससे 6 आता, मैंने लिखा स्मॉल पेन,
तो आप देख रहे हैं मैंने यूनिट चेंज कर दी, यूनिट चेंज कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो खास बात थी ना वो ध्यान दीजिए, क्या भाई आपने यूनिट्स अलग अलग रखती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी लेंथ क्या कभी चेंज होगी? नहीं होगी ना। एक एग्जांपल समझिए, मैंने कहा दिस इज 2 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ, ठीक है, सो आप इसको मीटर्स में बोलोगे 2000 मीटर, दोनों का कहने का मतलब तो एक ही है ना, लेंथ तो नहीं चेंज होगी ना। आप सेंटीमीटर में कर लो, सेंटीमीटर में करोगे भाई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है अगर यूनिट चेंज कर रहे हैं, पर इस फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है ना वो नहीं चेंज हो रहा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि n इंटू यू फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी फॉर अ फिक्स्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, n इंटू यू ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और आपको फिजिक्स में आगे चल के ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, मान लीजिए 10 × 10 इज इक्वल टू 100 है, ठीक है, सो भाई अगर मैं एक क्वांटिटी बढ़ाऊं तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी ताकि वो कांस्टेंट रहे। तो देख रहे हैं आप कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, अगर मैं यूनिट बढ़ाता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, अगर मैं यूनिट बढ़ाता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाती है, समझ रहे हैं। यानी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्वांटिटी लिखी है जैसे फिजिक्स में हीट एनर्जी को नापने के लिए कन्वर्जन होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, ठीक है, तो आप यहाँ से तुरंत अनुमान लगा सकते हैं कि कैलरी बड़ा होता है या जूल बड़ा होता है। देखिए कैसे, मैंने क्या कहा कि अगर यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है मतलब यूनिट बड़ी होगी, सो कैलरी जो है वो जूल से बड़ी यूनिट मानी जाती है, होती है, ठीक है। ऐसी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। अब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि स्टैट वोल्ट बड़ा है या वोल्ट बड़ा है, भाई एक काम करो ना 300 को इधर भेज दो तो 300 वोल्ट इज इक्वल टू 1 स्टैट वोल्ट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है मतलब स्टैट वोल्ट जो है वो वोल्ट से बड़ी यूनिट है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सो इस पर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यूनिट्स का मैंने कहा स्टैंडर्ड, मैंने कहा 1971 के पहले, 1971 के पहले बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते थे, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कोई लेंथ को फीट में नापता, फुट में नापता था, कोई लेंथ को मीटर में नापता था, कोई मास को पाउंड में नापता था, कोई मास को किलोग्राम में नापता था, कहीं ग्राम में नापा जाता था, ठीक है। सो अलग अलग देशों ने स्टैंडर्ड यूनिट्स अलग अलग डिसाइड करे, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कम्युनिकेशन में, समझने में, कंपैरिजन करने में। सो एक बार 1971 के पहले का सिस्टम जानते हैं और उसके बाद आते हैं हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर, ठीक है। सो ये जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो खास बात आई वो मैंने बताई, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जब बहुत सारी कंट्रीज ने ये सोचा कि भाई चलो अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी यूनिट्स डिसाइड कर देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की डिफरेंट डिफरेंट, तो बात ये आई कि यार फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी मतलब भाई अनगिनत, लाखों करोड़ों में है, फोर्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, वर्क है, पता नहीं कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज। अब भाई प्रॉब्लम ये आ गई
कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम यूनिट ही डिसाइड करते रह जाएंगे, तो जब फ्यूचर में कोई बच्चा 11th क्लास में साइंस लेगा और पहले ही चैप्टर में उसको इतनी सारी यूनिट्स याद करनी पड़ेंगी, तो वो साइंस लेगा ही नहीं, डर जाएगा, छोड़ देगा। सो भाई मजाक कर रहा हूँ। सो इनके लिए क्या डिसाइड किया गया, ये मैं 1971 के पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो भाई इंटरनेशनल यूनिट आ गया, इंटरनेशनल सिस्टम आ गया, ठीक है। सो अलग अलग कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम भाई एक काम करते हैं, फंडामेंटल सिस्टम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे, यानी एक बेस क्वांटिटी होगी फिजिकल क्वांटिटी, उसकी उससे उसकी यूनिट्स को यूज करके हम लोग दूसरी क्वांटिटीज बनाएंगे। जस्ट समझिए जरा। सो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड की गई, फंडामेंटल या हम कहें कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, और दूसरा पार्ट हम लोग ने रखा दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब बात यह आई कि बेसिक किसको कहा गया, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा गया, तो मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। अ फिजिकल क्वांटिटी हूज which do not require any other physical quantity for its measurement, और just इसका उल्टा definition जो है वो इसकी है, यानी इनको, इन physical quantities को जरूरत पड़ती है किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, ताकि उनकी यूनिट डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, स्पीड, एक एग्जांपल ले रहा हूं स्पीड। अब देखो स्पीड को हम लोग कैसे क्या लिखते थे, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा उसके पहले आप जान लो कि फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज में किस किस को रखा गया, उससे पहले मास, लेंथ और टाइम को रखा गया, ठीक है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं उस समिट के पहले की बातें हैं, ठीक है। अच्छा अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ने एग्जांपल लिया स्पीड का, तो आप जानते हैं डिस्टेंस क्या है, दैट इज लेंथ है, टाइम है भाई, अरे तो ये देखो ना ये बन रहा है कि नहीं उससे, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट्स डिराइव की जाती है बाय यूजिंग फंडामेंटल बेसिक या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो डिराइव्ड की डेफिनेशन आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आप देखिए फोर्स, एक और एग्जाम्पल, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से था। तो आप देखिए जरा, मास किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या डिसाइड की गई, मान लीजिए मीटर, ठीक है, टाइम, टाइम की यूनिट क्या सेकंड, और ये स्क्वायर है, तो ये देखिए क्या यूनिट बन रही है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अलग से यूनिट नहीं बनानी पड़ी, वो तो बाद में चलन में आ चुकी फोर्स की यूनिट, दैट इज न्यूटन, जो आपने पढ़ी है, लेकिन आप न्यूटन की जगह ये भी लिख सकते हैं, कोई नहीं कैंसिल करेगा, कोई नहीं काटेगा उसको, ठीक है। सो बात ये आ रही है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज अब इजी हो गई क्या उनकी यूनिट्स को याद रख पाना, क्योंकि इनकी यूनिट्स बनी है किससे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से, ठीक है। अच्छा अब देखो यार, पिछले 100-150 सालों में ज़बरदस्त रिसर्च हुई, बहुत सारी चीज़ें निकल के आई, नई नई चीज़ें, थर्मोडायनेमिक्स आया, तो ये आया वो आया, तो सिर्फ इतनी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं रह गई, मास, लेंथ, टाइम, लोगों ने बोला यार फंडामेंटल में हमें और भी चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं फिर हम लोग क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी है। टोटल 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, प्लीज साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, है ना। ओके देखिए, सो प्रॉब्लम ये फंस रही थी कि भाई देश
बहुत सारे, सबने ठीक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सबने डिसाइड कर लिया मास लेंथ है टाइम है, लेकिन बात ये आ रही है ना कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग चल रहा था। जैसे कुछ फेमस मैं बता दे रहा हूँ, CGS यूनिट सिस्टम, इसमें भी देखिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये क्या है लेंथ है, ये क्या है ग्राम दैट इज मास है, ये क्या है दैट इज टाइम। ठीक है, कुछ कंट्रीज में CGS सिस्टम चल रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आया क्या FPS, कुछ कंट्रीज में FPS चल रहा था, ठीक है दैट इज फुट पाउंड सेकेंड्स, फुट पाउंड सेकेंड्स, ठीक है, और कुछ कंट्रीज में MKS चल रहा था। अच्छा, ये दो जो सिस्टम थे ये जनरली उन कंट्रीज में चल रहे थे जहां पर फ्रांस ने फ्रेंच मतलब एक तरीके से जाके कब्जा कर लिया हो, ठीक है, जैसे ब्रिटिश रूल आया था तो ब्रिटिश रूल इंडिया में था, तो ब्रिटिश जहां जहां जिन जिन कंट्रीज में जहां पर उनका रूल था वहां पर वो FPS सिस्टम चलाते थे। अब यहां पर दिक्कत क्या होती थी कि भाई अब मैं आपसे बोल रहा हूं एक वही लेंथ, एक ही क्वांटिटी है, उसकी लेंथ को आप नाप रहे हैं, एक जगह बोल रहे हैं ये 10 फुट की है और एक जगह बोल रहे हैं 3.5 मीटर की है, तो भाई वो 10 फुट वाला इसको बताएगा कि ये 10 फुट की है और ये 3.5 मीटर वाला बताएगा उसको कि ये 3.5 मीटर के, दोनों कंफ्यूज खा जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहां से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो दो चीजें निकल के आई, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही थी और नई नई चीज़ें निकल के आ रही थी, आविष्कार होते जा रहे थे। दूसरी चीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, मुश्किल हो रही थी। तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने एक सबमिट करी 1971 में और क्या किया उसमें उन लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिसाइड कर दी कि ये रहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ टोटल 7 और उनकी यूनिट्स SI यूनिट जिसको हम लोग सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं दैट इज SI यूनिट, वो डिसाइड कर लिया कि यही है। अब आप जैसे लेंथ को की SI यूनिट मीटर मान ली तो पूरा विश्व अब उसके बाद से यही मानेगा कि मीटर ही SI यूनिट है, किसकी लेंथ की, हर कंट्री में। अब आप वहां पर चाहे फुट में नाप रहे हो लेकिन अगर कोई दूसरी कंट्री या कहीं पर भी और या आपको नोटिफिकेशन भी लिखना है तो वो मीटर्स में लिखेंगे। सो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अच्छा एक 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 चीज और मैं बता दूं, यूनिट से ही लिंक है, जस्ट एक जनरल नॉलेज। भाई एक बात बताओ, ये आम चलन में है, अगर कोई आपसे वजन पूछता है आपका तो क्या बोलते हैं आप, 50 किलोग्राम 40 किलोग्राम। मेरे से कोई वेट पूछेगा मेरा तो मैं क्या बोलूंगा, 78 किलोग्राम। भाई एक बात बताओ, वेट क्या फॉर्मूला, m into g। भाई ये मास है, ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सलरेशन ही ना, तो मास इनटू एक्सलरेशन, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है, दैट इज फोर्स। और फोर्स की SI यूनिट क्या आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, दैट इज न्यूटन। और हम बोल रहे हैं कि वेट कितना है और हम आंसर दे रहे हैं क्या, किसकी यूनिट में, मास की यूनिट में। एक्चुअल में भाई kg किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है ना। सो वो जो यहां पे एक करेक्शन है कि भाई वेट नहीं है 78 kg, दैट इज मास है 78 kg, ठीक है। सो ये बहुत से लोग यूज करते हैं, चलो ठीक है भाई, दुनिया को नहीं संभाल सकते हम, सुधार सकते। अब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि मास जो है वो होता है केजी में। तो अगर कोई आपसे वेट पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, दैट मीन्स कि जो भी आपका वेट मास आया 78 उसमें इंटू कर दीजिएगा 10 का, दैट इज 9.8 का, राउंड फिगर में 10 का वो होगा एक्चुअल में वेट। चलिए आते हैं, अब देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7 हैं। पहली मैं यहां पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगा, यहां पर आपका दैट SI यूनिट हाँ जो डिसाइड की गई, ठीक है, और उसी के साथ मैं सिंबल भी यूज कर लूंगा। ओके चलिए देखिए भाई, पहला मास, SI यूनिट रखी गई किलोग्राम, दैट इज kg।
अच्छा ये पहले से ही था, MKS, MKS के अंदर था ये पहले से, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड्स, ठीक है। सो MKS को ही हम लोगों ने SI में कन्वर्ट कर दिया विद इंक्लूजन ऑफ सम मोर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मास हो गया, दूसरा है दैट इज लेंथ, इसकी यूनिट मीटर, SI यूनिट स्मॉल m, फिर दूसरा है सॉरी थर्ड है टाइम, टाइम के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया सेकेंड्स, वैसे सभी यूनिट्स में, वैसे सभी सिस्टम में आपका सेकेंड ही था, ठीक है। अच्छा फोर्थ है आपका क्या, दैट करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, दैट इज एम्पियर। अच्छा एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो चीज़ें हैं ना ये कितनी रखी गई, एक किलोग्राम किसको कहा गया, वन सेकेंड क्या होता है, इन सबको डिफाइन किया गया है, ठीक है, डिफाइन किया गया है। वन एम्पियर किसे कहते हैं, कितने करंट को कहते हैं, ये सबको डिफाइन किया गया है, ठीक। सो ये वहाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, पर आप ये जान लीजिएगा ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे ओ ट्वेल्थ क्लास में हम लोग को जानने को मिलेगा वन एम्पियर किसको कहा जाता है, ठीक है। चलो तो अभी टाइम है फिफ्थ, ओ टेम्परेचर, ये पहले इंक्लूड नहीं था MKS में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इंक्लूड नहीं था, टेम्परेचर हो गया, ये सब थर्मोडायनेमिक्स के बाद आए हैं। टेम्परेचर दैट इज केल्विन, SI यूनिट कैपिटल की, ठीक है। फिर अगला आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको याद रखने भाई है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दैट इज मोल्स, इसको हम लोग क्या सिंबल इसका MOL, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज लास्ट वन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ये थोड़ा खास है, इसका है यूनिट दैट इज कैंडेला CD, ठीक है। अच्छा मैं बता दे रहा हूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, देखो जैसे एक्चुअल में ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है दैट इज चमक, कोई चीज कितनी चमक रही है, ये लाइट वो लाइट कितनी चमक रही है, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, मेजर किया, ठीक है, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड सिस्टम तैयार किया गया, स्टैंडर्ड यूनिट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कैसे पता करते हैं किसी में कितनी चमक है। देखिएगा एक पेज रखा, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स है जिसका मुझे इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी चेक करनी है, ठीक है। तो एक तरफ मैं दैट वो सोर्स रखूँगा और दूसरी तरफ क्या रखूँगा, एक कैंडल रखूँगा, ठीक है, एक कैंडल। अब सीधी बात है, यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इस पेज पर, इस तरफ जो होगी वो इंटेंसिटी कम होगी, दोनों तरफ आपने देखा भाई इंटेंसिटी कम है, तो आपने यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, कैंडल को इंक्रीज करना शुरू करा। अब यहाँ की रोशनी बढ़ने लग गई, यहाँ तो उतनी की उतनी है, अब ये आपको कब तक इंक्लूड करते जाना है कैंडल, जब तक कि ये जगह और ये जगह लाइट की इंटेंसिटी सेम ना हो जाए, ठीक है। एक्चुअल में बीच में हम लोग ग्रीस का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस जब दोनों तरफ से दिखना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ भैया बिल्कुल बराबर हो गई है दोनों तरफ से इंटेंसिटी, फिर ये कैंडल्स काउंट कर लेते हैं, जितनी कैंडल्स मान लीजिए इसकी रोशनी इसके 300 कैंडल्स के बराबर है तो 300 कैंडल। तो जस्ट एक मैंने बताया है ना, इसको एकदम समझिए। तो ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा एक चीज और, इनके साथ साथ दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी रखी गई, दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी रखी गई, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज भी रखी गई, ठीक है। पहला दैट इज प्लेन एंगल, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, प्लेन एंगल, एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल, ठीक है। अच्छा सो बाकी जितने भी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं सातों से मिलकर बने हैं, और दो उनको भी इंक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी यूनिट ले लो, कोई भी यूनिट ले लो, वर्क हो प्रेशर हो कुछ भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मास डेंसिटी की,
मास डेंसिटी, ठीक है भाई, मास डेंसिटी क्वेश्चन क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ठीक है भाई, मास कितना, दैट इज किलोग्राम, ठीक है। वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी चीज़ का, जैसे सिंपल अगर हम लोग उसमें जाएं, लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन, तीनों हैं क्या, लेंथ ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, लेंथ मतलब क्या, मीटर, एसआई यूनिट, तो ये हो जाएगा मीटर, सॉरी मीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका मास डेंसिटी की यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल के अंदर रखी गई, कब, 1971 के समिट में। चलिए अब आते हैं हम लोग जरा उनको समझते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो चलिए जल्दी से हम लोग वो जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज रखी थी उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले था उसमें क्या, प्लेन एंगल, भाई आगे चल के कैलकुलेशन है इसकी, है ना, प्लेन एंगल, ठीक है। ये 2D में बनता है, 2D में बनने वाला एंगल, ठीक है। अब 2D में बनने वाला एंगल, या तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में बनने वाला एंगल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन एंगल, या तो दो प्लेन्स के बीच में बनने वाला एंगल, दो प्लेन्स के बीच में बनने वाला एंगल, ठीक है। सो ये है, मान लीजिए आपका ये पढ़ा हुआ है यार आप लोगों ने बचपन में, ठीक है। ये आर्क है, आर्क लेंथ, ठीक है, और ये है वो एंगल। अच्छा, सो ये रेडियस है, अगर इसको मैं आर कह रहा हूँ, तो आपने भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट थीटा शुड बी इन रेडियंस, क्या, रेडियंस, रेडियंस में होना चाहिए, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या, आरएडी लिखते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअल में कहूं तो पाई के टर्म्स में। सो जैसे आपको भी पता है कि दैट एक कंप्लीट सर्कल अगर मैं बनाता तो भाई यहाँ से शुरू करता और यहीं पर वापस आता, रेडियस अगर आर लेता, ठीक है। सो आप बताओ आर्क लेंथ कितनी हो जाती, आर्क लेंथ कितनी हो जाती, दैट इज सर्कमफेरेंस अब हो जाता उसका, ठीक है। तो ये हो जाता है 2πr, ठीक है, और रेडियस कितना है r, ओए ओए ओए, रेडियस कितना है r। तो भाई यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले में जाऊँ तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहीं वापस आ जाऊँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा घूम के यहाँ वापस आ जाऊँगा, तो ये जो एंगल बनता है वो कितना, 360 डिग्री, कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाय रेडियस कितना r, तो ये कैंसिल होगा, 2 से ये जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। सो कई बार कई जगह पे आपको ये ऐसा भी लिखा देखने को मिलता है, रेडियंस ऊपर सी लिखा रहता है, दैट इज दैट डिनोट्स इन रेडियंस, ठीक है। सो पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, तो आप समझ गए भाई पाई बाय 2 कितना होगा, 90 डिग्री, तो ऐसे आप कंपेयर कर लीजिएगा। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए जैसे आपने जानते हो, आप जानते हो कि 1 आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड्स, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट्स, हाँ, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये सब इस चैप्टर में है, कैलकुलेशंस आगे चल के, ठीक है, एनसीईआरटी में देखिएगा, ओके। सो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, दैट इज वन डिग्री इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है 3.142856, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी, 3.142856 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं वो वैल्यू यहाँ रखूँ तो मुझे 1 डिग्री की वैल्यू मिल रही इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, वो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, दैट इज कितनी होती है यार, हाँ, 1.745 × 10⁻², रेडियंस, ये वैल्यूज याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, हाँ, ऐसे ही 1 मिनट, देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट्स, तो हम कहेंगे
एक मिनट में कितने डिग्री, 1/60, ठीक है, इतने डिग्री हो गए। तो सीधी बात है, एक डिग्री में इतना, तो वन मिनट में कितना होगा, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, इस क्वांटिटी को 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपके वन मिनट की वैल्यू आ जाएगी। तो वन मिनट में जो वैल्यू आती है इन रेडियंस, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो याद रखिएगा, 2.91 × 10⁻⁴, ठीक है, −2 −4। और ऐसे ही जब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू आता है, यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज 1/60 मिनट्स इक्वल टू क्या, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक मिनट में जो भी आपका रेडियंस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, 60 कर दोगे। सो फाइनल आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज ये होता है 4.85 × 10⁻⁶ रेडियंस, ठीक है। सो ये है आपको वैल्यूज, ये याद रखनी है, ठीक है। के बाहर से छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही होगी, पर क्या करें यार, तो कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, उसको समझाने पहुंचो तो और चिल्लाने लगता है। ओके, सो इसको आपको याद रखना है। सो एक आध मैं कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ, जैसे अगर आता है मान लीजिए 3.33 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 1/3, ठीक है, ये डिग्री और ये डिग्री, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा, ये तो 3 डिग्री है भाई, इसको रहने दीजिए, और इसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते, तो ये लिख सकता हूँ क्या, दैट इज 1/3 ऑफ एक डिग्री में कितने मिनट्स, ठीक है। सो ये आ जाएगा कितना, 3 degrees 20 minutes, ठीक है। अब इस पूरे को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 180 मिनट्स प्लस 20, यानी कितना आ जाएगा, 200, ये क्या आया, मिनट्स आया, ठीक है। तो एक मिनट में कितने से कितने रेडियंस, 2.91, तो ये हो जाएगा आपका 200 × 2.91 × 10⁻⁴ रेडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो भाई जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अब आते हैं हम लोग सॉलिड एंगल पे, वो 3D रहता है, ठीक है। चलिए, तो आइए भाई फिर जान लेते हैं हम लोग सॉलिड एंगल, है ना। सो इट वॉज सेकेंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब देखो जरा, मान लीजिए एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर 8, ओके। अब मैंने एक पार्ट लिया इसका, मान लीजिए ये एक पार्ट ले रहा हूं इसका। सो इस पार्ट ने कुछ एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे, ठीक है। सो ये है, देखिए ये एक्चुअल में कैसा रहा होगा, ये कोण है, कोण टाइप का, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एक्चुअल में 3D एंगल होगा, कुछ समझ रहे हैं, नहीं समझो ऐसे, यानी ये कुछ अरे समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, देखो ये कुछ ऐसा पुंगी टाइप का, नहीं ये ऐसा, ये जो एंगल बन रहा ना, ठीक है, ऐसा टाइप का, अंदर की तरफ देखो दिख रहा है, ऐसा एंगल, ठीक है। उस प्लेन एंगल में क्या हो रहा था, दो लाइंस थी और सिंपल एक एंगल ऐसा था, ठीक है, ये 2D में बन जाएगा, लेकिन ये 3D वाला एंगल कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा, अरे समझ में आया ना यार, ठीक है, ये जो अंदर एंगल बन रहा है ना वो, ठीक है। सो देखिए इस तरह का ये कौन, नहीं तो ये एंगल, इसको हम लोग कहते क्या, दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला
ये यहाँ पर ये एरिया होगा, इस ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, ठीक है, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये है वो एंगल, इसको आप थीटा कह लो या रो कह लो, ठीक है, थीटा वहाँ कह चुके थे तो इसको मैंने रोका, सो दैट इज सॉलिड एंगल, ठीक है, और ये उसका रेडियस है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ज़्यादा काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया बाय आर स्क्वायर, ठीक है, सो अच्छा इसकी यूनिट स्टेरेडियन, दैट इज एस टी, ठीक है, सो ये है आपका एस डी आर, देख लेना यार क्या यूनिट होती है, ठीक है, मिल जाएगा, गूगल कर लोगे तो। मेरे को बस इतना बताना था कि सॉलिड एंगल की यूनिट, हाँ बस, हो सकता है पूछ ले आपसे आपके होम एग्ज़ाम में, ठीक है, अच्छा एक एक पूरा स्फीयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है वो भी चेक कर लेते हैं भाई। तो आपको भी पता है कि अगर मैं पूरे सॉलिड एंगल की बात कर रहा हूँ कि एक स्फीयर ने कितना सबटेंड किया होगा, तो आपको पता है फिर एरिया की जगह पूरा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, सरफेस एरिया किसी स्फीयर का क्या होता है भाई, 4πr², ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4π, यानी एक सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर इज 4π, तो हेमिस्फीयर कितना होगा, अब आप चला लेना दिमाग, ठीक है। सो ये था भाई आपका आज का फर्स्ट लेक्चर, सारी चीज़ें मैंने बताई अपनी तरफ से जो भी हो सका, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट ट्राई किया, बहुत डिस्टर्बेंस हुआ बहुत ज़्यादा, उस वीडियो को बनाने में मेरे को कम से कम 4 घंटे लग चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, घर से काम कर रहे हैं भाई तो ऐसा ही होगा, आपको तरस नहीं खाना है, आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से बनाइए, और आगे के लेक्चर्स में हम लोग, अच्छा मैंने प्लेन एंगल थोड़ा जल्दी में बता दिया, आगे के लेक्चर्स में हम लोग प्लेन एंगल पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है, जब पैरेलेक्स मेथड और ये सब देखेंगे तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, सो जुड़े रहिएगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरा वीडियो, तो आगे भी लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन में देखते रहिएगा, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।